डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। लिस पेंडेंस का अर्थ है एक लंबित कानूनी कार्रवाई, जिसमें लिस का अर्थ है सूट और पेंडेंस का अर्थ है निरंतर या लंबित। सिद्धांत एक लैटिन मैक्सिम यूट पेडेंट निहिल इनोवेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि मुकदमेबाजी के दौरान कुछ भी नहीं बदला जाना चाहिए। यह सिद्धांत को मूर्त रूप देने वाला सिद्धांत यह है कि अभियोग की विषय वस्तु को अभियोग की पेडेंसी के दौरान किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। धारा अनिवार्य रूप से अचल संपत्ति के अलगाव पर रोक लगाती है, जब उसी से संबंधित एक विवाद कानून के एक सक्षम न्यायालय में लंबित होता है। मधुकर निवृत्ति जगताप एंड श्रीमती प्रमिलाबाई चंदूलाल परांदेकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिस पेंडेंस सिद्धांत का प्रभाव पक्षकारों द्वारा एक मुकदमे के संबंध में किए गए सभी हस्तांतरण को निरस्त करना नहीं है, बल्कि पक्षकारों को मुकदमे से मिलने वाली डिक्री या आदेश के अंतर्गत जो अधिकार मिले हैं उन पर यह लागू होता है। इस तरह के हस्तांतरण केस के परिणाम में अधीन मान्य रखते हैं। धारा अनिवार्य रूप से अचल संपत्ति के अलगाव पर रोक लगाती है, जब उसी से संबंधित एक विवाद कानून के एक सक्षम न्यायालय में लंबित होता है। मधुकर निवृत्ति जगताप एंड श्रीमती प्रमिलाबाई चंदूलाल परांदेकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिस पेंडेंस सिद्धांत का प्रभाव पक्षकारों द्वारा एक मुकदमे के संबंध में किए गए सभी हस्तांतरण को निरस्त करना नहीं है, बल्कि पक्षकारों के मुकदमे में मिलने वाली डिक्री या आदेश के अंतर्गत जो अधिकार मिले हैं उन पर यह लागू होता है। इस तरह के हस्तांतरण केस के परिणाम के अधीन मान्य रहते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने माना था कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों समाप्त। इस डिक्टेशन में कुछ शब्द
दोबारा टाइप हो गए हैं जिसके चलते दोबारा बोला गया है, तो आप उसको एक बार लिख लीजिएगा डिक्टेशन को और कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। जब आप डिक्टेशन पढ़िएगा तब धीरे धीरे पढ़िए, 100 शब्द पढ़िए, 200 शब्द पढ़िए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए, तभी आपका डिक्टेशन बहुत अच्छा होगा। अन्यथा आप सोचिएगा कि एक ही नाम लिख ले रहे हैं पढ़ लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पढ़ पाइएगा। रोज़ पढ़िएगा थोड़ा थोड़ा, तभी आप डिक्टेशन को पढ़ सकते हैं।